और फिर जब शट अप एंड बेंड ओवर करने पर पापा की कमर टूटी, तब जाकर मेरे पेरेंट्स की रील्स बनाने की लत छूटी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अजय। निर्वाण, आप भी अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। हाँ हाँ, कर दूंगा भाई, वायरल हो जाएगा। तू अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। मेरे माता पिता को ना सुनने की प्रॉब्लम है, उन्हें प्राइवेसी शब्द सुनाई नहीं देता। जब भी मैं बाथरूम में अडल्ट कंटेंट देखने जाता हूँ तो कहने लगते हैं कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। रूम में देखता हूँ तो दरवाजे के बाहर कान लगाकर खड़े हो जाते हैं, जबकि मेरे रूम में तो दरवाजा भी नहीं है। अरे हद तो तब पार होगी जब मैं हॉल में बैठकर सबके सामने देख रहा था, तब कहने लगे छी सब क्या देख रहा है, ये रियलिस्टिक ही नहीं है बेटा। इसलिए परेशान होकर मैंने उन्हें ऑनलाइन लूडो का गेम थमा दिया ताकि वो बिजी हो जाए। लेकिन फिर दो दिन बाद जब मेरा 225वां पेज का आखिरी वीडियो खत्म हुआ, तब मुझे पेरेंट्स की याद आने लगी। तो मैंने देखा बहकी सी निगाहें और बिखरे से बाल थे उनके। मुझे लगा उन्होंने किसी क्रूज पार्टी से लाकर कुछ फूंक तो नहीं लिया। मैं घबरा गया था, मैंने अपना स्टफ भी चेक किया। थैंक गॉड वो सेफ था। तभी ए, एक माँ का दूध पिया, तुम्हारा लाल गोटी काट के देखा। अरे मेरी गोटी क्यों काट दी भाई, देखना इसको इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा कि आज से वो मुझे ही अपना बाप समझने लगेगा। तभी मुझे पता लगा कि मेरे माता पिता को गेम्स की लत लग चुकी थी। निर्वाण बेटा, छत से कपड़े ले आ, तब तक मैं फ्रूट्स काट रही हूँ। मॉडरेटर मोहतरमा, घर का सिस्टम खराब हो रहा था। सिस्टम मतलब एक दिन घर का वाईफाई बंद हो गया। उस दिन मुझे पता चला कि इंसान जो है वो कितना नीचे गिर सकता है। गेम यही खेलूंगा। अरे क्या गेम लगा रखा है, छोड़ो मत। आज बन जाएगा हाईएस्ट स्कोर। लगी बस क्योंकि ध्यान थोड़ा थोड़ा सा। अरे क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? सही है, पूरी रात गेम खेलो, दोपहर में 12 बजे उठो और दूसरों का हॉटस्पॉट चुराओ। माय लाइफ माय रूल्स, मां को मत सिखा। प्रेशर अब बढ़ चुका था, इसीलिए मैंने 3 सीटी के बाद कुकर भी बंद कर दिया। पंडित जी, सोमवार के दिन बैटल ग्राउंड के लिए कौन सा गन लेना शुभ होगा, AWM या Kar-98? ऑफिस के बाथरूम में छुपके काउंटर स्ट्राइक खेल रहे थे, बॉम हैजल प्लांटेड चिल्लाया और सबको भगा दिया। फिर क्या, बॉस ने इनको भी भगा दिया। ये लो। अरे बहुत शुभ अवसर पे आयो, पंडित जी टेंपल रन खेलने बुला रहे हैं, आ जाओ। टेंपल रन। और उस दिन से तो उन्होंने मेरी बात भी सुनना बंद कर दिया था। और हद तो तब पार हो गई जब मेरे दोस्त ही मेरे पेरेंट्स के साथ खेलने लग गए। अब तो जलने लगी थी मेरी गा, गान। तो मैं गेम में गया, अपनी AW गन उठाई और अपने बाप को ललकार दिया मैंने। सुनो, तुम्हारा लौंडा गेमर बॉय नूब निकला, पार्टी से हेडशॉट खा के निकला अभी। हे भगवान, पता नहीं कौन सा गेम हार के पैदा कर दिया मैंने इसको। अरे रे रे रे, अरे ग्रेनेड आया, ग्रेनेड आया, क्या कर रहे हो? रे यार, इनके गेम में तो तेरी लाइफ को स्क्विड गेम बना दिया। क्या बोलूं यार, बचपन में इनसे यही सोच के मैं बेल्टों की मार खाता था कि बड़े होकर मेरे जवानी का सहारा बनेंगे, अय्याशी करवाएंगे। लेकिन क्या, मेरे स्लाइस कार्ड को अपने गेम्स के लिए यूज कर रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि स्लाइस पासबुक में ना रियल टाइम ट्रांजैक्शन ट्रैक होते हैं, मैंने इन्हें रोक लिया, वरना 10 लाख की लिमिट तक पहुंच जाते ये लोग। अरे कोई बात नहीं यार, स्लाइस के हर ट्रांजैक्शन में 2% का कैशबैक तो मिला, इसे तू रियल मनी में कन्वर्ट कर सकता है। जा, की टेंशन मत ले, तेरे मम्मी पापा के लिए तुझे डांटने से ज्यादा मजा किसी और गेम में नहीं है, समझा?
तू एक बार इन्हें सच्चे दिल से लेट डाउन करके तो देख। रोहित की बात मानकर मैंने अपनी एक्स के साथ वाली फोटो मम्मी को गुड मॉर्निंग फ्रॉम योर बहू फ्रॉम अदर कास्ट लिखकर भेज दिया। ये लड़की तो बहुत गुणवान है। कौन? ये देखो टॉप रैंक है इसके बैटल ग्राउंड में। नाम तो देखो कितना सुंदर है। किलर बिच। अरे 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 इसके तो 36 के 36 गेम्स मिलते हैं हमसे। ये लड़की तो सर्व गेम संपन्न निकली। चलो मुंह मीठा करें। कैंडी क्रश है। पबजी के 2 राउंड बाद मेरी शादी फिक्स हो गई थी मेरी एक्स के साथ। अब कैसे मनाता मैं उसके पति को। इसीलिए वैसे भाई तुम्हारा वॉरियर है लेकिन अब मैं सच में टूट चुका था और ऊपर से अगले दिन मुझे 4 ब्राजीलियन गुंडों के सामने ब्राजील ला 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 करके नाचना पड़ा क्योंकि पापा मुझे ऑनलाइन पोकर में हार चुके थे। अरे मैंने इससे तो पहले ही कहा था अपने माँ बाप अपने ही होते हैं। अरे एक बार जाके उनसे मन की बात बोल के तो देख। आपसे कुछ कहना चाहता है। सुनो ना मम्मी पापा मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। पापा याद है आपको वो मैंने कॉलेज के पास एक रूम लिया था जिसे मैं कपल्स को रेंट पे देता था। वो देख के आपको कितना गुस्सा आया था मुझ पर जब मैंने आपसे भी घंटे के 1000 रुपए ले लिए थे। निर्वाण ये राउंड राउंड मत घूम। ये गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। सीधा गेम की बात करना। I miss you यार मम्मी पापा। और मैं एक घटिया गेमर हूँ और GTA भी खेलता हूँ तो मैं नहीं चुरा पाता कोई गाड़ी। उल्टा लोग मुझे पेल कर मेरे से गाड़ी ले जाते हैं। और पापा पापा मैं एंग्री बर्ड भी बिना एंग्री हुए ही खेल लेता हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं मैंने आज फीफा में ना 8 गोल मारे हैं और 8-0 से हार चुका हूँ मैं माँ। और पापा अगर ऐसे ही मैं रोनाल्डो से ओन गोल मारता रहूंगा तो आपको समाज में शर्म तो नहीं आएगी ना। बस कर पगले रुलाएगा क्या है? ला तेरा फोन दे। देखिए मैं नहीं जानता कि आप कौन है। मैं ये भी नहीं जानता हूं कि आपने इससे क्या कहा। बस मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आपकी वजह से आज मेरा बेटा मुझसे बहुत बहुत पिटेगा। तेरे इस नौटंकी के चक्कर में हम टूर्नामेंट भी हार गए। अरे यार ये पिटेगा। नहीं 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 मम्मी बाबा अब सब सही हो चुका है। कुछ दिन बिना गेम्स के कमरे में बंद रहने के बाद फाइनली मेरे मॉम डैड को ना अब जाके समझ में आया कि मुझे कितनी ज्यादा जरूरत है उनके प्यार की। वेट गो मेरा राजा बेटा। चल 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 पकड़। जीत गए। अरे बस भैया 18 घंटे हो गए ये गेम खेलते खेलते। अब नया कोई गेम खेलते। Hey guys, I hope कि ये वीडियो मजेदार लगा होगा तुम्हें तो प्लीज लाइक करो शेयर करो और कमेंट तो डेफिनेटली करो यार। और गेट योर स्लाइस कार्ड टू गेट नो कॉस्ट EMIs विद पेपरलेस अप्रूवल no joining fees and no hidden charges. और हाँ यूज responsibly क्योंकि स्लाइस कार्ड से अप टू 2% का कैशबैक और फैंटास्टिक ऑफर का एडिक्शन भी हो सकता है। गेम्स जैसा नहीं
लेकिन ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है बॉस. करेक्ट. एंड फॉर योर डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट प्लीज सब्सक्राइब टू टीवी क्यूटिया पर.